मकसद नहीं भूलना भाइयों, एसएससी निकालना है। चलिए भाई, तो जैसा कि स्ट्रेटजी की दो वीडियोस आ चुकी हैं इंग्लिश और जीके की, तो अब मैं तीसरी वीडियो लेके आया हूँ मैथ की। ठीक है, कुछ भाइयों की डिमांड थी कि ऐसे समझ में नहीं आ रहा है ना, आप लिख के बताइए या फिर किसी और तरीके से। देखो सिस्टम था नहीं उतना ज़्यादा और जुगाड़ बन नहीं पा रही थी, तो मैंने जैसे मेरे को बन पाया मैंने बता दिया। ठीक है, एज अ एडवाइस लेके चलो, जैसे कोई सामने से बताता है ना, दोस्त वोस्त से पूछ लो या किसी बड़े गार्जियन से पूछो, तो कैसे बताता है बिल्कुल वैसे ही मैंने बताया। अच्छा, अब ये वीडियो ना आप लोगों को एंड तक देखनी है। एंड तक इसलिए देखनी है क्योंकि मैं इसको आपको डिटेल में लिख के बताऊंगा, तो बने रहिएगा, क्योंकि कोई रीज़न नहीं है, बने रहो बस। मज़ा आया तो लाइक वाइक कर देना बस, और कुछ नहीं। अच्छा, मैं फिर से एक बात क्लियर कर देता हूँ कि ये जो स्ट्रेटजी वीडियो में तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये कोई स्ट्रेटजी वीडियो की तरह नहीं है, ये मेरी एडवाइस है कि आप लोग ये कर सकते हो। मैं अपनी किस कहानी सुना रहा हूँ कि मैंने इस सब्जेक्ट में कैसे तैयारी करी, कि मैं कोई बहुत बड़ा तुर्रम खां हूँ नहीं, 97 रैंक आ गई भले ही, लेकिन हूँ बिल्कुल आपके जैसा, बिल्कुल सेम टू सेम। मेरी भी शुरुआत वहीं से हुई थी जहाँ से आपकी हुई है इस वक्त। जहाँ आप बिगनर्स हैं, मैं भी बिगनर था और मुझे भी कुछ नहीं आता था, मैं भी अपने सीनियर से बहुत डिस्कस करता था। तो वही सीनियर वाली एडवाइस मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, इसको स्ट्रेटजी की तरह बिल्कुल लेके मत चलना, अपनी खुद की स्ट्रेटजी बनाओ और वर्क करो उसके ऊपर। मैं जल्दी ही एक टाइम टेबल वाली वीडियो भी लेके आऊँगा कि कैसे कैसे आपको पढ़ना चाहिए, और मैं डेली शेड्यूल वाला जो होता है ना, डेली टारगेट वाला बैच, बैच क्या, डेली टारगेट वाली रील अपलोड करना शुरू करूंगा। उस रील को, शॉर्ट को आप देखना और उसी हिसाब से आप अपना टारगेट सेट कर सकते हो जिसको मेरे संग पढ़ाई करनी है, वरना कोई दिक्कत नहीं, अपने हिसाब से आप पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं, 100% सिलेक्शन होगा, बस पढ़ते रहो। ठीक है, चलिए भाई, अब आते हैं रिटर्न वाले डॉक्यूमेंट्स पे कि हमने लिखा क्या है आज, है ना, क्या पढ़ाना है आज, आज क्या समझाना है। चलिए भाई, अब मिलता हूँ। आइए फिर देखते हैं मैथ की स्ट्रेटजी फॉर एसएससी सीजीएल 2024। आग लगा देंगे आग। देखो भाई, कुछ भी करो लेकिन इक्विपमेंट्स एग्जाम सेंटर के नहीं तोड़ने हैं, या कुछ भी नहीं करना है। कभी भी फ्रस्ट्रेट इतना नहीं होना है कि एग्जाम सेंटर के इंस्ट्रूमेंट तोड़ दिया, क्योंकि फिर वहाँ पे आपको सजा हो सकती है। हालांकि ये तो मैंने ऐसी फालतू लिखा है। चलो देखते हैं सोर्सेज क्या यूज़ किए मैंने, पहले सबसे पहले उसको देख लेते हैं। ये वीडियो मैं शॉर्ट से शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि लॉन्ग वीडियो को आप लोग देखते भी नहीं हो ज़्यादा और उतना मज़ा भी नहीं आती होगी ऑफकोर्स। ठीक है, तो मैं इसमें ज़्यादा ज्ञान की बातें नहीं करूँगा, एकदम शॉर्ट शॉर्ट शॉर्टकट में समझाऊँगा। देखो सोर्सेज क्या यूज़ किए मैंने, गगन प्रताप का मैथ का बैच यूज़ किया, जियो टू हीरो वाला। क्लास नोट्स यूज़ किए गगन प्रताप सर के। सेक्शनल टेस्ट टेस्ट बुक से। PYQ लास्ट RBE रिवॉल्यूशन से, 3 ईयर के। फार्मूला और रिवीजन की एक बुकलेट बना ली मैंने। अच्छा, मैंने किस किस टाइम पे क्या क्या पढ़ा, तो 6 घंटे के लिए मैंने पढ़ा, रोज़ मैंने 6 घंटा पढ़ा था सिलेबस जब तक कंप्लीट नहीं हो गया। जब सिलेबस कंप्लीट हो गया तो उसके बाद ये 6 घंटा ही पढ़ता रहा मैथ को थोड़े टाइम तक, लेकिन जब रिवीजन करने का टाइम आया तो वो टाइम थोड़ा कम हो गया, 6 घंटे से 4 घंटा हो गया। जब और अच्छे से रिवीजन हो गया तो वही 4 घंटे से 3 घंटा, 2 घंटा, 1 घंटा, ऐसे भी हुआ मेंस तक आते आते। ठीक है, लेकिन शुरुआत में तो 6 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा, मॉर्निंग का रूटीन था मेरा और एक नाइट का रूटीन था। मॉर्निंग में 8 बजे से लेकर सुबह के 11:30 बजे तक पढ़ता था, रात में 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक। कुछ मंथ बाद मैंने ये मॉर्निंग वाला रूटीन हटा दिया और सिर्फ रात में पढ़ता था मैथ को। ठीक है, अच्छा इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है देखने वाली, कि आपको अगर आप बिगनर है तो आपको 6 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा। मुझे पढ़ना पड़ा था तो मैं इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है किसी किसी को जल्दी समझ में आता हो सकता है किसी किसी को लेट समझ में आता हो। मुझे 6 घंटा लगता था रोज़ पढ़ने में, जब तक मेरा सिलेबस कम्प्लीट नहीं हो गया तब तक। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, स्टडी पैटर्न क्या फॉलो किया मैंने, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक 2 घंटा गगन प्रताप सर का अर्थमेटिक की वीडियो देखी, 1 लेक्चर, ऐसे शुरुआत करता था। जब वो लेक्चर मैंने खत्म कर लिया, 2 घंटा क्यों लगा, 1.5x की स्पीड पर देखूंगा तो 1 घंटा लगेगा मुझे उस लेक्चर को ख़त्म करने में, लेकिन सॉल्यूशन जो है क्वेश्चन का वो तो मैं साथ के साथ करूंगा रफ कॉपी पे, तो उसमें भी 1 घंटा लग जाएगा। साथ के साथ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी काम बनेगा, थोड़ा सा समझो फिर साथ के साथ क्वेश्चन सॉल्व करो। ऐसे करके 2 घंटा लगता था और 1 घंटा शीट का रिवीजन, वो शीट देते हैं उसी को रिवीजन करता था। अच्छा, एक आधे घंटे चैप्टर टेस्ट लगाता था मैं, 20 मिनट का चैप्टर टेस्ट होता है, 10 मिनट उसको एक्स्ट्रा टाइम लेना पड़ता है कि जो क्वेश्चन नहीं आया उनको कर लिया, चैप्टर टेस्ट लगा लिया। नाइट शिफ्ट में वही 9 से 11 बजे तक गगन सर की दूसरी वीडियो एडवांस की, लेकिन एक लेक्चर, क्योंकि मैं ज्योमेट्री शुरू की करते हैं सर, शायद पहला लेक्चर ज्योमेट्री का लेते हैं, तो वही लेक्चर लिया था मैंने स्पेशली सर्कल का। 11 बजे से लेकर 12 बजे तक आप रिवीजन करेंगे, यही होता है। सेक्शनल टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट कब लगाना है,
देखो भाई, सेक्शनल टेस्ट को लगाना ही तब शुरू करना है जब आपका सिलेबस एटलीस्ट हाफ ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो जाए। जब हाफ ऑफ द सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आप कुछ क्वेश्चंस लगा पाएंगे उस जो जितना पढ़ा है आपने उससे, और कुछ क्वेश्चंस नहीं लगा पाएंगे, कुछ नया आप सीखेंगे सेक्शनल टेस्ट के थ्रू, वो लगाना शुरू करना है। अच्छा, इसका टाइम कहाँ से आएगा? इसका टाइम इसी में मेंटेन होगा। जब आपको ये नहीं लगाना होगा, जब आपको ये नहीं पढ़ना होगा, तो आप ये पढ़ेंगे, ठीक है। यही तरीके से आप सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हैं। जब कोर्स खत्म हो जाए तो भरपूर सेक्शनल टेस्ट लगाओ, फिर रिवीजन करो, सेक्शनल टेस्ट लगाओ। अच्छा, पीवाईक्यूज पढ़ने हैं लास्ट तीन ईयर्स के पीवाईक्यूज पढ़ने हैं। कहाँ से पढ़ने हैं? या तो आरबी रिवॉल्यूशन के टेलीग्राम चैनल से, जो कि थोड़ा सा कम इफेक्टिव होता है कि बताऊंगा, या तो फिर सेक्शनल टेस्ट प्रीवियस ईयर वाले। अच्छा, क्या है आरबी रिवॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर? लास्ट तीन ईयर के नहीं बल्कि लास्ट फाइव ईयर के शायद पीडीएफ पड़ी हुई हैं क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन उसमें दिया होगा, उसका सॉल्यूशन नहीं दिया होगा, उसका सिर्फ आंसर दिया होगा, इसलिए ये लेस, उसका सिर्फ करेक्ट ऑप्शन दिया होगा, इसलिए ये लेस इफेक्टिव है। नो सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन नहीं दिया होता। मोर इफेक्टिव ये है सेक्शनल टेस्ट प्रीवियस ईयर वाला। अगर आप प्रीवियस ईयर का सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे तो एक तो जल्दी जल्दी करने की स्पीड बनेगी, 20 मिनट के अंदर 25 क्वेश्चन करने होते हैं, नहीं कर पाओगे, भले ही 18-19 करोगे, लेकिन स्पीड तो बढ़ेगी, स्पीड बढ़ती है इसे करने पर। और ये मोर इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूशन मिलेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन मिलेगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपकी वहाँ से प्रैक्टिस भी हो जाएगी जो क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन आया तो अच्छी बात है, नहीं आया क्वेश्चन तो वहीं से प्रैक्टिस कर ली। अच्छा भाई देखो, ज़रूरी नहीं है आप गगन प्रताप सर से पढ़ें। मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले शुरुआत करी थी किरण की प्रीवियस ईयर बुक से। उससे मैंने नंबर सिस्टम के 450 क्वेश्चन भी लगाए थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही बेसिक से शुरुआत करी गई थी, उसके जो सॉल्यूशन थे बिल्कुल बेसिक तरीके से थे। वैसे अगर मैं करता तो मुझे 2 दिन लग जाता पेपर सॉल्व करने में, जो मेंस का होता है या प्री का होता है। तो वैसे तो मैं सीख नहीं पाया, ना मेरा मन करता था प्रीवियस ईयर बुक लगाने का, क्योंकि इतना बोरिंग हो जाता है 450 क्वेश्चन लगाना, 50 क्वेश्चन एक बार में लगाना बिना सीखे, कि वो मन ही नहीं करता। तो मैंने उससे ना पढ़ के मैंने बैच ले लिया। मैं ये नहीं कह रहा गगन प्रताप सर का बैच लो, मैं ये कह रहा हूँ कि बैच ले लो। किसका लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर टीचर की यूट्यूब पर फ्री क्लास पड़ी है, आप चाहे तो आर का जो के चैनल के जो सर हैं उन सर का ले सकते हैं आप बैच, आप चाहे तो आदित्य रंजन सर का ले सकते हैं बैच, आप चाहे तो क्या कहते हैं, आप चाहे तो राकेश यादव सर का बैच ले सकते हैं, आप चाहे तो किसी का ही बैच ले सकते हैं। वो आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड करता है। आप सर्च करिए अच्छे से, जिस टीचर के संग ट्यूनिंग बैठे आप उसका बैच ले लीजिए, तरीका यही है। और अगर आपको किरण सूट करती है, आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आपको ऑलरेडी ट्रिक्स व्रिक्स सब आती हैं, तो आप किरण की बुक से भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली सर के, गगन प्रताप सर के क्लास नोट से ही पढ़ सकते हैं। अच्छा, मैं क्लास नोट बता देता हूँ। देखो, मैंने क्लास नोट्स भी यूज़ किए हैं। क्यों यूज़ किए हैं? क्योंकि मेरे से ना इतने सारे लेक्चर नहीं देखे गए, अराउंड गगन प्रताप सर के अराउंड 120 प्लस तो अर्थमेटिक के लेक्चर हैं, और एडवांस के लेक्चर भी कम से कम 120 प्लस हैं। 240 लेक्चर कैसे देख लोगे भाई? तो मैंने 120 में मोटा मोटा माने चलो 80-90% देख लिया होगा, इसका देखा होगा 40-50%। क्यों? क्योंकि मैंने एडवांस का मेंसुरेशन टॉपिक, ज्योमेट्री टॉपिक और एल्जेब्रा टॉपिक सब कुछ सर के क्लास नोट से जल्दी जल्दी निपटाया था। क्लास नोट का यूज़ किया मैंने एडवांस में भी, और अर्थमेटिक में भी आधे से ज़्यादा चीज़ें मैंने क्लास नोट से निपटाई, जैसे कि मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर वो मैंने क्लास नोट से निपटाया, कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास नोट से कर लिया, बुक से इससे नहीं पढ़ा, गगन प्रताप सर के वीडियोस से नहीं पढ़ा। तो आप चाहो ना, अगर आपको थोड़ी बहुत भी बेसिक की अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप सर से समझ पाते हो, तो आप उनका क्लास नोट ले लो, सस्ते पढ़ेंगे, एक तो 1000 रुपये में दोनों आ जाएंगे। दूसरी चीज़ है, जब चाहो तब पढ़ो, जितना चाहो उतने क्वेश्चन लगाओ, वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग पे ही सब कुछ डिपेंड करेगा। तो इसमें आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि आपको क्या पता ना समझ में आए क्लास नोट्स, तो आपको अपने हिसाब से देखना है। तो दो ऑप्शन दे दिए, या तो क्लास नोट्स से समझ लो, या तो फिर वीडियो से समझ लो, बस, ठीक है। अच्छा, ये रही दूसरी शीट, ठीक। अच्छा, ये अलग क्वेश्चन तो शायद मैंने अभी भी जवाब दे दिया कि हाउ आई टैकल्ड सो मेनी वीडियोस स्पेशली ऑफ एडवांस। मैंने एडवांस की इतनी सारी वीडियोस कैसे टैकल करी? देखो, नहीं करी, सीधी सी बात है, मैंने नहीं पढ़ा। मैंने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पूरे देखे थे, मैंने सिर्फ क्या कहते हैं थोड़े बहुत नंबर सिस्टम के चैप्टर पूरे देखे थे मैंने, मतलब पूरा पढ़ा पढ़ा था, पूरा पढ़ा था उसी से वीडियोस से, 28-29 लेक्चर थे, और बाकी सब मैंने क्लास नोट से किया, मैंने अभी आपको समझा दिया। अच्छा, हाउ आई रिवाइज द होल सिलेबस 2-3 टाइम्स। देखो,
एक बार सिलेबस अगर आपका वीडियो से खत्म हो जाए तो वो वीडियोस बांट दो, दूसरों को दे दो, जो करना करो, पर उससे नहीं पढ़ोगे। उससे तभी पढ़ोगे जब आपको क्लास नोट्स से या फिर प्रीवियस ईयर बुक से समझ ना आए। क्लास नोट्स को 2-3 बार 4-5 बार रिवीजन करो, उसी को रिवीजन करो, उसमें गोला लगा लगा के जो क्वेश्चन नहीं आ रहा आगे बढ़ो, उसका सॉल्यूशन देखो, फिर बिना समझ में फिर गोला लगाओ, फिर एक बार टिक करो, एक बार टिक किया यानी एक बार नहीं आया, दो बार टिक किया यानी दो बार नहीं आया, इस टाइप से आगे बढ़ना है। दूसरी चीज, 2-3 बार रिवीजन करना है आपको, और कैसे करेंगे बता दिया, क्लास नोट से या फिर जो टीचर्स की शीट्स हैं उनसे या फिर प्रीवियस ईयर बुक से अगर आपको सही लगती है तो। वीडियोस देखने के बाद जरूरत नहीं, टाइम बर्बाद नहीं करना है, हर दिन जब रिवीजन के टाइम पे आ जाओ तो हर दिन 2-3 घंटा रिवीजन करना है, 6-6 घंटा रिवीजन नहीं करना है, हो जाएगा। PYQ's बुक मैंने बताया मैंने क्यों नहीं ली, क्योंकि मैंने ली थी, पढ़ी है, अभी भी चाहिए तो ले लो किसी को भी, 2019 की पढ़ी हुई है, ठीक है, तो मुझे नहीं समझ में आया था, मैंने समझो 2019 में एक बार पढ़ने की कोशिश करी, मैंने छोड़ दिया इसको कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, ये सब नहीं हो पाएगा मुझसे, तो कुल मिलाकर के ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, PYQ's बुक आपको लेने की जरूरत नहीं है अगर आपको समझ में आ जाता है बैच से तो, नहीं आता है तो आपको लेनी पड़ेगी। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतलब क्या इस बात की, आपको हर एक चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, क्वेश्चन भले ही ना आता हो पर वो कॉन्सेप्ट जरूर आना चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं आते, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं आते, आप चाहो तो उन क्वेश्चंस को बेसिक से, ऑप्शन से और भी डिफरेंट मेथड से कर सकते हो, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला, आपको यही नहीं पता चलेगा कि किस क्या फॉर्मूला लगना है इसके अंदर, क्या कॉन्सेप्ट लगना है इसके अंदर, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करना छोड़ो, उसको देख के आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि समझ में ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है, अटैम्प्ट ही नहीं कर पाओगे कुल मिलाकर के। तो फॉर्मूला आपको जरूर आना चाहिए। फॉर्मूले के लिए क्या करोगे, एक या तो बुक बना लो अपने लिए, ठीक है, या तो क्लास नोट्स में ही आप लोग याद कर सकते हो तो कर लो, या तो एक फार्मूला की बुक बना लो, एक बुकलेट, या फिर सर जो गगन सर की एक बुकलेट है ना, फ्री पीडीएफ पड़ी रहती है सब चैनल पर, इनके चैनल पर फ्री पीडीएफ पड़ी रहेगी, विक्रम प्रताप की एक फार्मूला बुक है, या तो आप उसको देख सकते हो, मतलब एंड टाइम पर, प्री के एग्ज़ाम से पहले और मेंस के पहले आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है, ये फार्मूला बुक को आपको ऐसे पढ़ना है। चलिए, फॉर्मूलाज रिवीजन जब हो जाएंगे तो उसके अलावा आपको एक और बुकलेट तैयार करनी है, उस बुकलेट के अंदर आप क्या करोगे, उस बुकलेट में आप उन क्वेश्चनों को नोट करोगे, उन क्वेश्चनों को क्या कहते हैं प्रैक्टिस करोगे, जिन क्वेश्चंस पे आप फंस रहे हो बार बार, 3-4-5 बार फंस रहे हो, तो उन क्वेश्चन को इसमें लिख के प्रैक्टिस करोगे, जो सेक्शनल टेस्ट में भी आपसे नहीं हो पा रहे क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को आप इसमें लिख के टेस्ट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, जो आपको मल्टीपल मॉक देने के बाद फंस रहे क्वेश्चंस, जो सेक्शन क्या कहते हैं टेस्ट बुक खुद बनाती है या फिर ऑली बोर्ड खुद बनाती है, उन क्वेश्चनों को भी आप इसमें लिखोगे जिसमें आप फंस रहे हो, जो नया कॉन्सेप्ट मिला उसको भी आप इसमें लिखोगे, नए नए कॉन्सेप्ट मिलते हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपसे छूट जाती हैं बैच के दौरान, क्योंकि आपने बुक पूरी तो पढ़ी नहीं है, पूरा तो आपने वीडियोस देखी नहीं है, तो कुछ चीज़ें छूट जाती है ना, हम लोग हैं तो भाई इंसान ही, कुछ ना कुछ गलतियाँ तो करेंगे ही, तो उन गलतियों को सुधारने के लिए इस बुकलेट को बनाओ, उसमें खूब सारे ऐसे क्वेश्चंस लिखो तो फ़ायदा होगा, ठीक है, ये टोटल मेरी स्ट्रैटेजी थी। इन पॉइंट्स को आप मत भूलना, यही टोटल मेरे पास बताने के लिए है आपके लिए, और टाइम टेबल बता दिया मैंने, कैसे मैंने पढ़ाई करी है, बस इतना ही सही मैंने कुछ किया था मैथ के लिए, इतना आप करेंगे तो आपको भी रिजल्ट जरूर मिलेंगे। मैं अपने मार्क्स बता देता हूँ, मेरे प्रीवियस प्री में पिछले साल 2022 में 44 नंबर आए थे मैथ में, इस बार 48 आए हैं प्री में, और पिछली बार मेंस में मेरे आए थे 87 नंबर, इस बार मेरे थोड़े कम होगा 80 नंबर, क्योंकि भाई पेपर थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड आ गया था, हमको लगा कि आसान पेपर आएगा, आसान मॉक लग रहे थे, आसान पेपर दे रहे थे, तो कुछ गड़बड़ी हो गई थोड़ी सी। अच्छा, एक चीज़ और, पेपर टफ भी आ सकता है हल्का फुल्का, टफ का मतलब है इधर उधर हो सकता है, थोड़े कैलकुलेटिव पेपर हो गया, थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखना, 2021 के सेक्शनल टेस्ट जरूर लगा लेना, 2021 के सेक्शनल टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्री के और मेंस के जरूर लगा लेना, उससे पहले के भी लगा सकते हो तो जरूर लगा लेना, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने नहीं लगाए थे और हम लोगों को थोड़ी सी दिक्कतें सामना करना पड़ा दिक्कतों का, तो आप लोग जरा ध्यान रखना यार, बाकी गाइडेंस के लिए मैं हूँ, इसको तुम लोग कोई स्ट्रेटजी ना मानो, मैं हूँ एंड तक तुम लोगों के, और मैं अभी धीमे धीमे और वीडियोस लाते रहूँगा, जो डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, भले ही ये वीडियो अच्छी हो, मैं ये मेरा ये एक्सपेरिमेंट है, मैं ऐसे कभी वीडियो बना नहीं पाया, कैमरा में देख के अच्छे से बना पाता हूँ, ऐसे मुझे उतना समझ में नहीं आया, तो आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं वहीं पर सॉल्व कर दूंगा, नहीं तो अगर अच्छी नहीं लगे वीडियो तो बता दो, वो भी मैं आपको एक दूसरी अच्छी और अच्छी वीडियोस बना के दे दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, गुड बाय, और
हैप्पी, अरे यार चल क्यों नहीं रहा, न्यू ईयर। बाय बाय।